हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। तो अब मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट का जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और जो भी इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, सारी चीज़ें आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पार्ट्स में वीडियो आएंगे आपके एक एक करके, और जो आपकी पांचों की पांचों यूनिट है, जितना भी सिलेबस आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपको यहीं चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी वीडियोज चैनल पर ही अवेलेबल मिलेंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो पेड नोट्स हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट वाइज थ्योरिटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और यूनिट वाइज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सारी चीज़ें आपको आंसर्स के साथ में मिलेंगी। ये इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। बाकी अगर कोई भी ब्लूप्रिंट वगैरह आएगा तो वो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं, 199 रुपीज में आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, पांचों यूनिट के नोट्स। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर DM करें, मैं वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है आपका डिसीजन मेकिंग। इस यूनिट को सबसे पहले देखते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया गया है, जो चीजें कवर करनी है। फर्स्ट है गाइस स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, सॉल्विंग वेरियस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग टेक्निक, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, लास्ट है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल एक्सपोर्ट ऑफर, मेक और बाय, एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, सेल और प्रोसेस फर्दर, ऑपरेट और शट डाउन एंड प्राइसिंग डिसीजन। इतना कंटेंट हमें कवर करना है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो पता है आप लोगों को, डिसीजन मेकिंग इज डिफाइंड एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन बाय चूजिंग बेस्ट ऑप्शन अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव। जब हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो तो उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसे चूज करना, वही कहलाता है डिसीजन मेकिंग। इट इज अ मेथड टू आइडेंटिफाई वेरियस अल्टरनेटिव रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। ये क्या होता है, एक तरीके का मेथड होता है जिसके अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम काफी सारे जो अलग अलग तरीके हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसमें से जो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसे चूज करते हैं। इट इज अ प्रोसेस विच मेक डिसीजन मेकिंग मोर डेलिब्रेट एंड प्रॉफिटेबल। ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि डिसीजन को और बहुत ज्यादा डेलिब्रेट तरीके से और प्रॉफिटेबल तरीके से लेने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, की डिसीजन मेकिंग का आपका क्या प्रोसेस होता है। पहला आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड मेजरेबल सो दैट टाइमली डिसीजन में बी टेकन। आपको प्रॉब्लम किस तरीके, कैसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम हो वो क्लियर होनी चाहिए और मेजरेबल होनी चाहिए, जिसके वजह से आप टाइमली डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। तो आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना होता है, अलग अलग जो उसको सॉल्व करने के तरीके हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। मैनेजमेंट हैज टू कंसीडर ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। मैनेजमेंट को क्या करना होता है, किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए जो भी अल्टरनेटिव होते हैं उन्हें सभी अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू इवेल्युएट एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग डिफरेंट वन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिटर्न और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको जो भी आपका बेस्ट अल्टरनेटिव है उसे चूज करने से पहले आपको जितने भी अल्टरनेटिव होंगे उन सभी के प्रोज और कॉन्स, मतलब उनका क्या बेनिफिट है, क्या उनका नुकसान है, उन चीजों को एक तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम द डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। अब क्या है, जब आपको अल्टरनेटिव पता लग गया तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सुटेबल सॉल्यूशन कि आपको कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना है, आपको ये पता लग गया,
तो फिर आपको क्या करना है, जो आपको अल्टरनेटिव चूज करना है, उसका जो डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है उस प्रॉब्लम के ऊपर। फिर आता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू। तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्रेज द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन टू सी वेदर द रिजल्ट इज सॉल्व्ड और नॉट। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो आपका रिजल्ट है उसे एग्जीक्यूट, जो आपने मतलब जो आपने डिसीजन एग्जीक्यूट कराया है उससे जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आपको देखना है, उस पर ध्यान देना है, और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी वगैरह है जिसकी वजह से आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है उसे ठीक करने के लिए, तो वो आपको एक्शन लेना है। ठीक है, ये आपके 5 स्टेप होते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट है कॉस्ट रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के साथ आपकी कौन सी कॉस्ट रिलेट करती है। पहली आती है आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। तो दीज आर फ्यूचर कॉस्ट विच कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डिसीजन में चेंज आने की वजह से जिस कॉस्ट में चेंज आ सकता है वो कहलाती है आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। द रेलेवेंट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट विच में बी इंक्रीमेंटल और अवॉइडेबल। जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो आपकी एक वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि बढ़ भी सकती है और अवॉइड भी की जा सकती है। वाइल कंपेयरिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव इफ कॉस्ट चेंज देन द पर्टिकुलर कॉस्ट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। अगर डिसीजन अलग अलग अल्टरनेटिव को कंपेयर करते टाइम आपको ये दिखे कि आपकी कॉस्ट चेंज हो रही है हर अल्टरनेटिव से तो वो कहलाती है आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल कॉस्ट। तो इट कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट आफ्टर डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डिसीजन के बाद आपका टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया उसको कहा जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। इट मे बी इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ये कैसी भी हो सकती है, कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कॉस्ट कम भी हो सकती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट टर्म फॉर डिसीजन मेकिंग। इफ टोटल कॉस्ट इंक्रीज व्हेन डिसीजन इज चेंज फ्रॉम वन अल्टरनेटिव टू अनदर इट इज टर्म्ड एज इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम जो डिफरेंशियल कॉस्ट है उसे इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल कब कहेंगे, अगर मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के बाद जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है तो इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट हो जाती है, और अगर वो कॉस्ट कम हो जाती है तो आपकी डिक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बी टर्म्ड एज बेनिफिट सैक्रिफाइस्ड व्हाइल चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं, किसी का कुछ बेनिफिट होता है, किसी का कुछ बेनिफिट होता है, अब लेकिन आपको उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव चूज करना होता है, तो एक अल्टरनेटिव चूज करने की वजह से बाकी जो दूसरे अल्टरनेटिव का बेनिफिट आपसे चला जाता है वो कहलाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ वाइल चूजिंग एन अल्टरनेटिव प्रॉफिट्स आर फोरगोन सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो किसी अल्टरनेटिव को चूज करते टाइम अगर आपका कोई प्रॉफिट चला जाता है, फोरगोन हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट आती है शटडाउन कॉस्ट। तो इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट विच इज इनकर्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग डाउन ऑफ अ डिवीजन डिपार्टमेंट और बिजनेस। किसी डिवीजन को, डिपार्टमेंट को या बिजनेस को बंद करते टाइम जो आपको कॉस्ट लगती है वो कहलाती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। सिंस इफ प्रोडक्शन इज नॉट डन वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड। क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। बट सम फिक्स्ड कॉस्ट इज रिलेटेड विद द बिजनेस सच एज सैलरी डेप्रिसिएशन विच आर अनअवॉइडेबल आर डिफाइंड एज शटडाउन कॉस्ट। तो लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है फिर भी कुछ कॉस्ट होती है आपकी जो लगती रहती है, जैसे कि सैलरीज की कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट हो गई और कई सारी जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसी सारी कॉस्ट आपकी कहलाती है शटडाउन कॉस्ट। नेक्स्ट आती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो दीज आर कॉस्ट विच आर नॉट एक्चुअली इनकर्ड इन कैश। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो आप कैश में इनकर नहीं करते हैं लेकिन आपकी एक कॉस्ट होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज नॉट एक्चुअली पेड बट इसेंशियल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कभी भी कैश में पे नहीं करा जाता है लेकिन मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में वो एक इसेंशियल पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। द कॉस्ट विच इज पेड इन कैश नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर एक्सपेंस एटसेट्रा। ऐसी कॉस्ट जो आप कैश में पे करते हैं वो कहलाती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जैसे कि मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एक्सपेंसेस की कॉस्ट। द एक्सपेंस विच आर नॉट पेड इन कैश सच एज डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ऐसे एक्सपेंस जो हम कैश में पे नहीं करते हैं वो हमारे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट आता है संक कॉस्ट। तो इट इज द कॉस्ट विच कैन नॉट बी कलेक्टेड इफ एक्सपेंडेड। ऐसी कॉस्ट जो अगर हम एक बार खर्च कर देते हैं तो उसे हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते।
दीज कॉस्ट आर इररिलेवेंट फॉर मैनेजमेंट डिसीजन सिंस दे हैव बीन इनकर्ड। ये जो कॉस्ट होती है ये मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए इररिलेवेंट होती है क्योंकि ये कॉस्ट को हम इनकर कर चुके होते हैं। द डिसीजन विच आर इरिवर्सिबल कॉस्ट एसोसिएटेड टू डैम आर नोन एज संक कॉस्ट। ऐसे डिसीजन जिनके ऐसे डिसीजन जो कि इरिवर्सिबल हों उन डिसीजन से जो जुड़ी हुई कॉस्ट होती है वो कहलाती है हमारी संक कॉस्ट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, कि हमने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो अब कॉस्ट इनकर हो चुकी है, उसका डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट है इस्केपेबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच में बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज इस्केपेबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट है जिसे हम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अवॉइड कर सकते थे उसे कहा जाता है इस्केपेबल कॉस्ट, एंड विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज टर्म्ड एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते वो कहलाती है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिव चॉइसेस। तो मैनेजर हैज टू टेक वेरियस टाइमली डिसीजन आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। जो मैनेजर होते हैं उन्हें काफी सारे जो भी अल्टरनेटिव होते हैं उनमें से टाइम टू टाइम अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू टेक इफेक्टिव डिसीजन सच एज प्रॉफिट प्लानिंग, डिसाइडिंग ऑप्टिमल प्रोडक्ट पॉलिसी, मेक और बाय डिसीजन ऑफ अ प्रोडक्ट एटसेट्रा। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है कि जिसकी मदद से इफेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, ऑप्टिमम प्रोडक्ट पॉलिसी के लिए, मेक और बाय के लिए, ये सारे। ठीक है, तो फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग विच मैनेजमेंट हैव टू टेक डिसीजन। अब नीचे कुछ आपको ऐसे ही पॉइंट दिए गए हैं जिनके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला आता है मेक और बाय डिसीजन। तो अ फर्म हैज टू टेक डिसीजन वेदर टू परचेज अ प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर इट इटसेल्फ। सबसे बड़ा डिसीजन फर्म को ज्यादातर क्या लेना होता है कि हमें प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए या फिर उसे खुद बनाना चाहिए। इफ अ फर्म मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और अ पार्ट देयर ऑफ, इट हैज टू इनकर सम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई फर्म मैन्युफैक्चर या करती है किसी प्रोडक्ट को तो उसे कुछ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। And if firm purchase the same from market, it has to choose the supplier by taking into consideration the availability of material, financial soundness, regular supply and reliability of supplier. But अगर वो purchase करती है उसे market से तो उसे क्या उसे उस time पर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि supplier कौन सा choose करना है जिसके पास material available हो, financial soundness होनी चाहिए उनकी, रेगुलर सप्लाई मिलती रहे और सप्लायर रिलायबल हो, ये सारी चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी होती है। तो द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट रिसीव्ड बाय टू अल्टरनेटिव। तो फर्म को डिसीजन लेने से पहले परचेज करने में और बाय करने में, मतलब परचेज करने में और मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या उन्हें बेनिफिट मिल रहे हैं और क्या क्या उनको लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, उनको ध्यान में रखकर डिसीजन लेने होते हैं। If cost of purchase is less than marginal cost of manufacturing, then it is advisable to purchase the product from market instead of manufacturing by firm. अगर cost of purchase आपकी कम है और cost of manufacturing आपकी ज़्यादा आ रही है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको वो product को purchase कर लेना चाहिए market से, ना कि उसे खुद से manufacture करना चाहिए। ठीक है, इससे related आपको एक example दे रखा है, इसे हम practical video वाले part के अंदर cover करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। तो इफ अ फर्म प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट देन द प्रॉब्लम अराइज रिगार्डिंग प्रोडक्ट मिक्स विच मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अगर एक फर्म एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम अराइज होती है कि फर्म को कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहिए जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, उसे कहा जाता है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। द फर्म हैज टू फेस द प्रॉब्लम ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स और कैपेसिटी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता फर्म के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही वो प्रोडक्ट बना सकती है, या तो एक के ज़्यादा बना लेगी या दूसरे वाले के, तो उसके लिए उन्हें फिर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स चूज करना होता है। अ फर्म शुड अडॉप्ट अ सेल्स मिक्सचर विच जनरेट हायर प्रॉफिट और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। जो फर्म होती हैं उन्हें सेल्स का वो मिक्सचर जनरेट करना होता है जिससे हायर प्रॉफिट, मतलब वो एसरटेन करना होता है सेल्स मिक्स जिससे हायर प्रॉफिट आए और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आए। व्हाइल सिलेक्टिंग द प्रॉफिटेबल मिक्स की और लिमिटिंग फैक्टर शुड बी कंसीडर। एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स चूज करते टाइम उन्हें जो लिमिटिंग फैक्टर है उन्हें उस कंसीडरेशन में रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसका एक एग्जांपल दिया गया है, साथ में उसका सॉल्यूशन है, हम कवर करेंगे इसे प्रैक्टिकल वाली पार्ट में।
नेक्स्ट डिसीजन होता है ऑपरेट और शट डाउन। द मैनेजमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस माइट फील दैट प्लान शट डाउन। कई बार मैनेजमेंट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब उन्हें लगता है कि अब हमें अपने इस प्लांट को बंद कर देना चाहिए। दैट मीन्स ऑपरेटिंग और कंटिन्यूइंग इज नॉट बेटर अल्टरनेटिव इन कंपैरिजन टू शट डाउन। क्योंकि क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि उस टाइम पर ऑपरेट करना ज़्यादा नुकसानदायक होता है एज कम्पेयर टू शट डाउन। शट डाउन कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंस द कंपनी वेयर वेन इट टेम्परेली सस्पेंड इट्स एक्टिविटी। शट डाउन कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो एक कंपनी कब इनकर करती है, जब वो अपने जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसे कुछ टाइम के लिए बंद करती है। दीज कॉस्ट कुड बी सेव्ड इफ ऑपरेशन आर अलाउड टू कंटिन्यू। इस कॉस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं, अगर हम ऑपरेशंस को चलते रहने दें। इन एडिशन टू फिक्स्ड कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ शेल्टरिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, ले ऑफ एक्सपेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर व्हेन द प्लांट इज रीस्टार्टेड एंड अबव लॉस आर मार्केट। शटडाउन कॉस्ट के साथ साथ कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट भी लगती है। जब दोबारा से कंपनी अपने ऑपरेशन स्टार्ट करती है तो ले ऑफ एक्सपेंस लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट को वर्कर को ट्रेनिंग एक्सपेंस लगते हैं, ये सारे एक्सपेंस दोबारा से लगते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखकर कंपनी को डिसीजन लेना चाहिए कि उसे शट डाउन करना है या ऑपरेट करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। तो डिसीजन इंटेल द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अमंग वेरियस ऑप्शन, ईच चॉइस पजेस डिस्टिंक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट दैट शुड बी कंपेयर्ड टू दोज ऑफ अदर एक्सेसिबल अल्टरनेटिव। डिसीजन में क्या क्या प्रोसेस होता है कि आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक कोई बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले आपको जो सारे अल्टरनेटिव हैं वो कुछ ना कुछ उनकी अलग कॉस्ट होती है और उनका अलग बेनिफिट होता है, तो उन सभी को कंपेयर करना चाहिए। डिफरेंशियल कॉस्ट रेफर्स टू द डिस्पेरिटी इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव ऑप्शन। दो अल्टरनेटिव ऑप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है कॉस्ट में, उसे कहा जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल रेवेन्यू रेफर्स टू डिस्पेरिटी इन रेवेन्यू। और डिफरेंशियल रेवेन्यू हम कैसे कहते हैं, दो अल्टरनेटिव में क्या रेवेन्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, उसे कहा जाता है डिफरेंशियल रेवेन्यू। इन डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू नो बोथ इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट के अंदर आपको दोनों तरीके की कॉस्ट पता होनी चाहिए, इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट एंड डिक्रीमेंटल डिफरेंशियल कॉस्ट। दोज आइटम दैट आर सेम अंडर अल्टरनेटिव कैन बी इग्नोर्ड। ऐसे आइटम जो दोनों अल्टरनेटिव में सेम आ रही हो कॉस्ट, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। द अकाउंटेंट डिफरेंशियल कॉस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी कंपेयर्ड विद इकोनॉमिस्ट मार्जिनल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब डिफरेंस दिया है आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग के बीच में। मार्जिनल कॉस्टिंग, इट डिनोट चेंज इन टोटल कॉस्ट अराइज फ्रॉम स्लाइटली अल्टरेशन इन आउटपुट। आउटपुट में थोड़ा सा चेंज करने की वजह से टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आता है, वो कहलाता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। Only the variable cost varies in response to variation in degree of activity. इसके अंदर marginal costing में सिर्फ आपकी variable cost में change आता है, आपकी fixed cost में किसी भी तरीके का कोई भी change नहीं आता है। ठीक है, marginal costing completely disregard fixed cost while certain fixed cost may be considered important for the purpose of different cost analysis. Marginal costing के अंदर fixed cost को पूरी तरीके से include नहीं करा जाता है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर भी उसे भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उससे भी रिलेटेड काफी सारे डिसीजंस होते हैं। डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होती है, तो कॉस्ट वेरिएशन रेफर्स टू अल्टरेशन वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन द ओवरऑल एक्सपेंस रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडिफिकेशन इन एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल में चेंज करने की वजह से, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, या फिर प्रोडक्शन के मेथड में चेंज करने की वजह से ओवरऑल एक्सपेंस में जो चेंज आता है, उसका जो डिफरेंस होता है, वो कहलाता है हमारा कॉस्ट वेरिएशन या फिर डिफरेंशियल कॉस्ट। बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट सब्जेक्ट टू वेरी व्हेन देयर इज चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसके अंदर आपकी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों तरीके की कॉस्ट में चेंज आता है। डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन बोथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग होती है वो आपकी दोनों में इंपॉर्टेंट होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, द अकाउंटिंग सिस्टम कैन इनकॉर्पोरेट मार्जिनल कॉस्टिंग। जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग को ही यूज करता है, इनकॉर्पोरेट करता है। मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन रेशियो आर प्राइमरी मेजर यूज्ड इन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन के रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो की मदद से मेजर करते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट आर एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज इंडिपेंडेंट एनालिसिस स्टेटमेंट। डिफरेंशियल कॉस्ट को हम अलग से एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं।
डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस इन्वॉल्व कंपेयरिंग वेरियस कॉस्ट विद कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल रेवेन्यू। जो डिफरेंशियल कॉस्ट होती है वो आपकी अलग अलग वेरियस इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल रेवेन्यू को कंपेयर करके बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा डिसीजन मेकिंग का स्टेप, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, एक्सेप्टिंग अ स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर आर सिंगुलर ऑर्डर दैट हैव नो इंपैक्ट ऑन कंपनीज रेगुलर सेल। स्पेशल ऑर्डर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्डर जिसका कंपनी के सेल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। द प्रॉफिट जनरेटेड बाय स्पेशल ऑर्डर इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट फ्रॉम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। जो स्पेशल ऑर्डर के ऊपर प्रॉफिट होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से इंक्रीमेंटल कॉस्ट को रिड्यूस करके। इफ द एडिशनल मनी जनरेटेड इज ग्रेटर देन एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड एंड इफ करंट सेल्स आर नॉट इम्पैक्टेड देन इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर। क्या बोला है? अगर हमारी एडिशनल मनी जनरेटेड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एडिशनल कॉस्ट, और अगर हमारी करंट सेल के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो हमें स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर इसका उल्टा केस होता है तो फिर हमें स्पेशल ऑर्डर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट डिसीजन होता है एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन। तो इन अ मल्टी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन न्यू प्रोडक्ट कैन ओनली बी लॉन्च्ड इफ द इंक्रीज इन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्सीड इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। हमें एक ऐसी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर जिसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट हो, उसमें एक नए प्रोडक्ट को तभी इंक्रीज करना चाहिए प्रोडक्ट लाइन के अंदर अगर जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन का मार्जिन है वो ज्यादा हो किससे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जो इंक्रीज आएगा उससे, तभी हमें एक न्यू प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अ सेगमेंट शुड ओनली बी एलिमिनेटेड इफ प्रोडक्शन इन टोटल कंट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट। एक सेगमेंट को, एक प्रोडक्शन के प्रोसेस को एलिमिनेट तभी करना चाहिए जब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो जाए किससे, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है। ये आपको इसका एग्जांपल दिया गया है, ये आपको सेकंड एग्जांपल है। ये सारे अब हम कवर करेंगे वीडियो के प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे आपके सारी चीजें कवर कर ली हैं। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।